नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपना छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे तो राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्य उत्सव 2021 का भव्य शुभारंभ हुआ और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं और आपको जानकारी दे दें कि कलाकारों के मार्च पास्ट के साथ समारोह का आगाज हो चुका है। साइंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित होने वाले समारोह में देश के 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकारों के साथ ही 7 देशों नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, स्वाजीलैंड, मालदीव, पेलेस्टाइन और सीरिया से आए विदेशी कलाकार अपनी छटा बिखेरेंगे। आदिवासी नृत्य महोत्सव में आप सब ने देखा कि इस परेड में विभिन्न प्रदेश के नर्तक दल अपने साज सज्जा के साथ उपस्थित हुए। बड़ा मनमोहक दृश्य और सभी अलग अलग प्रांत के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग देश के रहने के बावजूद भी जो अनेकता में एकता दिखाई पड़ती है, वही हमारी ताकत है, वही हमारी पहचान है। आदिवासी की संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति और उसमें कहीं न कहीं समानता हमको दिखाई पड़ती है। तो इसमें इसको जोड़ने के लिए, इसे संजोने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला लिया कि पूरे विश्व के आदिवासियों को हम लोग एक मंच में लाएं, अपने कला और संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे से परिचित भी हों, एक दूसरे को जाने समझें, अपने ताकत को जाने, अपने संस्कृति को पहचाने और हम सब मिलकर आगे बढ़ें। ये मूल उद्देश्य और इस उद्देश्य में निश्चित रूप से सफलता मिली है। ये समारोह के माध्यम से हमार पड़ोस के अतिथि हमार मुख्यमंत्री झारखंड के सोरेन साहब और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब दोनों हमारे मेहमान है। ये मेहमान मन के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूं कि मोही डारे मोला तो जीती गेले दिलारे, मोही डारे दिला मोर जीती गेले तैं दिलारे, एतेक सुघर आदिवासी मेला रे, एतेक सुघर आदिवासी नाचा रे, मोही डारे मोला तैं जीती गेले दिला रे, एतेक सुघर हमर मेहमान हेमंत सोरेन रे, एतेक सुघर हमर मेहमान भूपेश बघेल रे। ये 3 दिन के आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से जहां नाचेगा आदिवासी, झूमेगा पूरा छत्तीसगढ़, आदिवासी संस्कृति का होगा समागम और झूमेगी दुनिया, नाचेंगे हम, गाएंगे हम। संवाददाता प्रशांत द्विवेदी हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गया अधिक जानकारी के लिए। प्रशांत, आपसे जानेंगे, आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई खूबसूरत है, लेकिन किस तरह से, क्या अधिक जानकारी? तौर तरीके से इस बार राज्योत्सव छत्तीसगढ़ मना रहा है, अपना जन्मदिन मना रहा है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें 6 केंद्र शासित प्रदेश, 7 देशों के नर्तक दल जो है कलाकार पूरे जोश और क्रोध से यहाँ अपनी अलग अलग पारंपरिक कलाकृति जोश नृत्य को प्रस्तुत करेंगे। और आज अगर हम यहाँ पे इस मौके पर बात करें तो यहाँ पे पूर्व राज्यसभा सांसद वी के हरिप्रसाद और झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी यहाँ पे उपस्थित रहे। और देखा ये गया कि अक्सर इस तरह के कार्यक्रम में कोई दिल्ली के, हालांकि बड़े नेता यहाँ पे शरीक नहीं हुए, जो उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि दिल्ली के तमाम आला नेताओं को भी यहाँ पे न्योता दिया गया था, मगर राहुल गांधी ने एक संदेश के माध्यम से ही छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल को सराहा है। निश्चित तौर पर आने वाले 1 तारीख तक छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरह से यहाँ पे पारंपरिक कलाकृतियां हैं, संस्कृति है, अलग अलग मंचों में, अलग अलग विधाओं में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा,
छत्तीसगढ़, खासकर ये उन तमाम ये मंच उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी होता है जो जिनके पास कलाएं हैं और ये कलाएं कहीं ना कहीं अंदरूनी इलाकों में दम सा घुट जाता है, मगर ये राज्योत्सव जो लेकर आता है ऐसी पारंपरिक कला को एक मंच पर लाया जाता है जहाँ पे विदेशों में से भी कलाकार आते हैं, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की पहचान या देश की पहचान विदेशों में भी एक अलग तरीके की यहाँ सांस्कृतिक और झलकियाँ देखने के लिए मिलेंगी। जी कोमल, 1 नवंबर तक ये तारीख बताई गई है, फिलहाल आपने तमाम ये जानकारी दी, लेकिन उन हम 7 देशों की अगर हम बात करें जहां से ये कलाकार आ रहे हैं, फिलहाल उनकी विशेषताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जैसे आज युगांडा काउंसलर भी यहाँ पे उपस्थित थे, मालदीव का एक अपना अलग कल्चर है, युगांडा का अलग कल्चर है, साथ ही श्रीलंकन का अलग कल्चर है, क्योंकि अपनी पारंपरिक धीरे धीरे उनका नृत्य सामने आता जाएगा। आज तो इनकी शुरुआत थी जहाँ पर अलग अलग गांव में अलग अलग देशों ने इसकी प्रस्तुति की, तो इसकी पूरी तरह से वर्णन भी करने में आसानी होगी। अभी फिलहाल आज के ये कार्यक्रम का शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में भी नए नए पारंपरिक इस तरह से कार्यक्रम देखने के लिए मिलेंगे। जी कुम ठीक है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस तरह से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है रायपुर में, फिलहाल हम वहाँ की भी इम्पोर्टेंस जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक जिस जगह पे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वहाँ की महत्वता खुद ब खुद बढ़ जाती है और वहाँ की विशेषताएं जनता तक पहुँचती है। फिलहाल जनता की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही? लेकिन निश्चित तौर पर ये पूरा प्रदेश जो है हर साल इसी दिन का इंतजार करता है कि ये राज्योत्सव हो और राज्य की तमाम अलग अलग जो कलाकृतियां हैं, पारंपरिक नृत्य हैं, खासकर आदिवासी अंचल में जहाँ पे लोग नहीं देख पाते हैं, या खासकर बस्तर का वो इलाका जो नक्सल प्रभावित इलाका हो जाता है, कई बार अक्सर ये सामने आता है कि वहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर है, बंदूक के नोक पे रहती है और वहाँ पे लोग ये विधाओं को धीरे धीरे छोड़ देते हैं, तो ये जो उत्सुकता है उत्साह है एक मंच एक जगह पे देखने के लिए मिलता है, तो निश्चित तौर पर प्रदेश वासी लंबे समय से इंतजार करते हैं और खासकर वो लम्हा करीब आ गया है जिसके लिए सर वो कल्पना करते हैं, जो छत्तीसगढ़ को देखते हैं विदेशों के अंदर जो कलाकृतियां देखते हैं, अगर वो चीजें छत्तीसगढ़ में आपके घर के नजदीक की चीजें मिल जाए तो निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह होता है और देखने की ललक होती है कि आखिर ये नृत्य जो ये कहा जाता है कि किताबों में पढ़ते थे या इतिहास के पन्नों में पढ़ते थे, आज भी वो आदिवासी जो है अपनी इस कलाकृतियों को समेट के रखा हुआ है और एक मंच पे अपनी प्रस्तुति देता है, तो निश्चित तौर पर लोगों का ये पूरी तरह से मनमुग्ध कर देता है। जी कोमल ठीक है, चलिए प्रशांत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल तस्वीरें दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ आज हो गया है। और रायपुर में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के समय 1 नवंबर से धान खरीदी होती थी, सरकार को जल्द ही धान खरीदी की घोषणा करनी चाहिए। अभी 15 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी की जा रही है, केवल इवेंट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए आयोजन हो रहा है। कि धान की खरीदी 1 दिसंबर से होना चाहिए, 1 नवंबर से होनी चाहिए। साथ में हम ये मांग कर रहे हैं कि किसानों का जो रकबा नापा जा रहा है तो उसको बंद किया जाना चाहिए। साथ में किसानों को धान का मूल्य जो है वो 2800 रुपए दिया जाना चाहिए और जो 2 साल का बकाया बोनस है वो किसानों को दिया जाना चाहिए और एक मुश्त किसानों को 2800 रुपए का पेमेंट होना चाहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।